अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो क्या हाल चाल है आप सबके? तो उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। तो दोस्तों मेरा ना आज एक ये लव बर्ड बीमार है, तो बस इसको मैंने ना इनसे ना थोड़ा अलहदा करके ना इस वाले केज में ना रख दिया है। तो उसको मैंने पेनाडोल वगैरह भी पिलाई है, देखो बाकी अल्लाह खैर करेगा जल्दी ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तो बस कुछ भी नहीं, बस और कहने को तो बीमार है बेचारा, क्या करें। ये इसको मलंग को मैंने चारा डाला है, अभी ये चारा वगैरह खा रहा है। तो इन चूज़ों को मैंने डालना है, अभी दाना वगैरह डालना है, तो इनको अभी दाना डालते हैं। ये ऊपर ही पड़ा है तो इनको दाना छाना डालते हैं। ये रहा जी इनका दाना, थोड़ा सा इसमें से डालेंगे अभी, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने ना इनको चावल चावल खिलाए थे। ये मलंग साहब आ गए जी, हटे, इसको ना मैं इधर से ही पकड़ के रखता हूँ। ये साला ना इनको खाने ही नहीं देता, पता नहीं इसको क्या बीमारी है क्या नहीं। कोई भी है ना, बकरी है चाहे ये दो मलंग है हमारा, ये नहीं खाने देता इनको। बस ये अभी सुकून से खा तो रहे हैं, लेकिन वो इनकी अम्मा भी खड़ी है, ये फिर से आ जाएगा ऐसे मुझे लगता है। ये मलंग साहब फिर से आने लगे हैं। को अभी मैंने पेनाडोल खैर पिलाई तो है, लेकिन क्या पता ये मरने वाला है मुझे लगता है। ऐसे फुल ऐसे हल थोड़ी थोड़ी इसकी ना वो धड़कन चल रही है, अब देखो क्या बनता है इसका। इसको मैं अभी ना ऐसे करता हूँ, इसको ना धूप में रखता हूँ, तो फिर देखते हैं इसके साथ क्या होता है। बाकी अल्लाह खैर करेगा, वैसे मुझे नहीं लगता ये बच सकेगा। हाँ ये मेल है बड़ा, नहीं मुझे लगता है ऐसे इसकी सांस ही नहीं चल रही अभी तो फिलहाल, कि आंखें शांखें सारी बंद हो गई हैं। बिल्कुल धड़कन इसकी ना ख़त्म हो गई है अभी फिलहाल। ये बेचारी अब अकेली रह जाएगी। चलें कोई ना, बस इसके साथ इसका किसी के साथ एक जोड़ा लगा देंगे और क्या फिलहाल। आराम आराम तो दोस्तों हमने ना इन इसका ना प्लास्टर उतार दिया, तो अभी फिलहाल ये ना पाँव नीचे नहीं रख रही सही से, तो इसकी क्योंकि आदत बनी हुई है, फिलहाल कुछ दिन बाद ये मसलन के सपना सही से चलने लग जाएगी। और इनको देखो ये बड़ा तंग किया है इसने, मैली ने इतना तंग किया है ना इसका प्लास्टर खोलते टाइम, क्योंकि ये नहीं डरती, इसको हाथ भी लगा लो ये डर जाती है, ये भाग जाती है, ये अभी पकड़ी नहीं जाती। और ये जनाब को सुसु आ गया।